चलो भाई मजा आ गया। आज तो सुबह सुबह एक बहुत ही ज्यादा मस्त वाली गोल्ड कार चुरा कर लेकर आ चुका हूँ मैं। अब तुम लोग सोच रहे होगे गाइस कि मैं सुबह सुबह एक्चुअली मैं गया कहाँ था। मैं भाई मस्त बीच पे घूम रहा था और तभी मेरी नजर गई एक गोल्ड की कार पर जो कि एक बड़े से बंगले के बाहर खड़ी थी। अब पता नहीं यार ये गाड़ी उस बंगले वाले की थी या फिर किसकी थी, पर मुझे जैसे ये गाड़ी दिखी मैं भाई बीच से निकल के फटाफट से इस गाड़ी के अंदर बैठा। गाड़ी के अंदर चाबी ऑलरेडी थी तो मुझे इसको कंट्रोल करने के लिए या फिर आड़ा टेढ़ा कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। सीधी चाबी घुमाई और यहाँ पर लेकर आ गया मैं इस वाली गोल्ड की कार को। और अभी तक की ये मेरी सबसे साइलेंट एंड सबसे सक्सेसफुल चोरी रही है, क्योंकि भाई देखो हमेशा जब भी हम लोग गाड़ी वाड़ी या फिर कुछ खतरनाक काम करते हैं तो हमारे पीछे पुलिस पड़ जाती है, फिर पुलिस से पीछा छुड़ाओ, फिर ये करो वो करो, अलग अलग दुनिया भर का ड्रामा करना पड़ता है। बट आज भाई इस वाली गोल्ड की कार को चुराने में कोई दिक्कत नहीं हुई। भाई दूर दूर तक कोई पुलिस वाला नहीं था, गाड़ी को मतलब कंट्रोल करने के लिए मुझे कुछ और करने की जरूरत ही नहीं थी। भाई चाबी ऑलरेडी इसके अंदर थी, कुछ भी नहीं किया मैंने भाई, लिटरली मैं सिर्फ गाड़ी के अंदर बैठा इसको ड्राइव किया और यहाँ पर घर के पास लेकर आ चुका हूँ मैं। अभी जल्दी से इसको गैरेज में छुपा देते हैं, पता चला इधर कोई पुलिस वाला ढूंढते हुए गया तो उसे ये गाड़ी दिख गई। बाकी शिनचैन पिनचैन तो पता नहीं यार कब तक ये माउंट चिल्यार्ड में घूमते रहेंगे, उनको भी बुलाएंगे गाइस, बहुत दिन से घूम रहे हैं यार, कितना घूमेंगे वो लोग माउंट चिल्यार्ड में, क्या देखने को मिल रहा है उन लोगों को उधर। खैर जो भी हो, मुझे अभी बहुत ज्यादा तेज भूख लगी है, जा रहा हूँ कुछ बर्गर वगैरह खाने। चौप होता तो बर्गर जरूर मांगता मेरे से, बट है ही नहीं तो अकेले ही खाना पड़ेगा मुझे बर्गर वगैरह। चलो भाई मस्त एकदम बर्गर खाते हैं। अरे इस घर में कोई है? ये कौन बोल रहा है भाई, मेरे को ही बुला रहा है क्या कोई? अरे कोई है तो जरा बाहर आओ यार। एक सेकंड गाइस, लगता है यार मेरे को ही कोई बुला रहा है, जल्दी से बाहर आओ। आ रहा हूँ भाई आ रहा हूँ। हाँ जल्दी से बाहर आओ वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। आ गया। ओ पुलिस की गाड़ी, वेट व्हाट, पुलिस वाले? हेलो हेलो सर, आप कौन? सबसे पहले तो ये बताओ कि गाड़ी तुमने कहाँ छुपाई है? कौन सी गाड़ी, कैसी गाड़ी, मैं नहीं जानता किसी गाड़ी को। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुमने सच सच नहीं बताया तो तुम्हारे पिछवाड़े पे मैं इतने डंडे मारूंगा कि तुम्हारा पिछवाड़ा सूज कर तरबूज हो जाएगा। अबे ऐसे कैसे बोल रहा भाई, मैंने नहीं गाड़ी चुराई कोई। अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है, हमें सब कुछ पता है गाड़ी तुमने ही चुराई है। अरे लेकिन मैं कह रहा हूँ ना भाई, मैंने कोई गाड़ी नहीं चुराई है सच में। देखो मैं पहली बता रहा हूँ, झूठ मत बोलो वरना सच में तुम्हारे पिछवाड़े की हालत बहुत ज्यादा खराब होने वाली है आज। अरे लेकिन मैंने नहीं चुराई कोई गाड़ी, मैं कितना सच बोलूँ अब? अच्छा जरा गैरेज का डोर खोलो। अब उसका गेट खराब है। अच्छा कोई बात नहीं, हम खोल लेंगे। अरे नहीं भाई, क्यों खोलोगे भाई, ऐसे कैसे, कुछ भी ढूंढ लोगे मेरे घर के अंदर, नहीं है इसके अंदर गाड़ी। ओके गन निकालनी पड़ेगी, खोलता हूँ अभी दरवाजा। गन मत निकालो बस, ये लो भाई खोल दिया दरवाजा। अब बताओ वो क्या है? वो मेरी गाड़ी है। अच्छा तुम्हारी गाड़ी है, जरा बाहर लेकर आओ उसे। लाता हूँ। अबे यार मैं तो सोच रहा था अभी तक की सबसे साइलेंट चोरी है ये, तो फंस गया मैं। लेकर आ गया सर, बोलो। तो ये तुम्हारी खुद की गाड़ी है? अच्छा जरा नंबर बताओ खुद की गाड़ी का। गाड़ी का नंबर अभी बताता हूँ, एक सेकंड। गाड़ी का नंबर है 44VCL270। खुद की गाड़ी का नंबर याद नहीं है तुम्हें, देख कर बताना पड़ रहा है। अरे वो कभी कभार चलाता हूँ ना मैं गाड़ी। कितनी गाड़ी है तुम्हारे पास? बहुत सारी है फिलहाल, तो अभी एक ही दिखी गैरेज में। अरे वो झूठ बोलने से अब कोई फायदा नहीं है, हमें सब कुछ पता चल चुका है। ये गाड़ी एक बहुत ही ज्यादा अमीर बंदे की है, वो काफी ज्यादा लंबी छुट्टी मनाकर अपने घर पर आया था, गाड़ी उसने बाहर खड़ी कर रखी थी और अपने घर के अंदर गया, तभी उसकी गाड़ी ये चोरी हो गई। अरे लेकिन भाई तुम लोगों को कैसे पता चला ये गाड़ी मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ? क्योंकि इस गाड़ी के अंदर GPS लगा हुआ है और हम लोग इसे ट्रैक करते हुए तुम्हारे घर तक पहुँच गए। अबे यार फंस गया मैं। और तो और जहाँ से तुमने ये गाड़ी चुराई वहाँ के खंभे पर CCTV लगा हुआ था जिसमें तुम्हारी शक्ल एकदम साफ साफ दिखी है। अबे यार ये तो फंस गया मैं तो सोच रहा था अभी तक की सबसे साइलेंट और सबसे ब्यूटीफुल चोरी है, लेकिन ये तो सबसे बेकार चोरी निकली यार अभी तक की। अरे सॉरी सर, गलती हो गई, अब नहीं करूंगा मैं। सॉरी वॉरी मत बोलो, अब तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। अरे लेकिन गाड़ी मिल तो गई भाई, अभी 5 मिनट पहले गाड़ी चुराई, 5 मिनट बाद गाड़ी मिल गई, तो अब किस बात का इल्जाम मेरे ऊपर भाई, ले जाओ ना गाड़ी। ऐसे थोड़ी ना होता है, चलो बैठो गाड़ी के अंदर, जेल जाना होगा तुम्हें। अबे यार खामखा फंस गया सुबह सुबह। सर एक सेकंड, जरा मुझे कॉल करना है, कॉल करने दोगे? कॉल वॉल कुछ नहीं, चलो हमारे संग जेल में। और मैं ना आऊं तो? मुझे अच्छी तरीके से ले जाना आता है समझे।
ऐसा घूसा मारूंगा मुंह पे 32 के 32 दांत टूट जाएंगे। बे यार ये तो बहुत ही ज्यादा बुरी किस्मत निकली यार आज की अपनी। आ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ भाई, आगे ही बैठ रहा हूँ। ओके ले चलो भाई जेल, रेडी हो जाओ अपनी जिंदगी जेल में काटने के लिए। पूरी जिंदगी? हाँ मतलब वही कम से कम 1 साल की तो जेल होगी ही। अबे यार ऐसा मत बोलो भाई, अब शांति से बैठे रहो गाड़ी के अंदर, ज्यादा बकवास नहीं। अभी इसे लेकर चलते हैं फटाफट से जेल, लेट्स गो। ओके गाइस, तो जिस चोरी को मैं अभी तक की सबसे साइलेंट चोरी समझ रहा था वो तो सबसे वायलेंट चोरी निकली यार। अबे यार इस वाले जेल में डालेंगे क्या ये लोग मुझे? चलो रेडी हो जाओ जेल के अंदर जाने के लिए। अरे रेडी क्या हो भाई, अब तो लेकर आ ही गए हो तुम लोग सारे के सारे। अरे यार फंस गया यार आज मैं बहुत बुरी तरीके से। चलो आ जाओ, भागने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। अरे अभी जेल में डाला ही कहाँ है कि भागूंगा मैं। चलो चलो आ जाओ जेल में। अरे लेकिन इधर नहीं डाल सकते तुम कैदी को। क्यों क्या हो गया? इधर सारे सेल्स फुल है। सारे के सारे सेल फुल हैं? बिल्कुल, एक भी सेल खाली नहीं है, बल्कि एक एक सेल में तो मैंने 10-10 कैदी भर रखे हैं। क्या इतनी सारी चोरियां बढ़ गई, इतने क्राइम हो रहे हैं लॉस सैंटोस के अंदर? हाँ इसीलिए इसे सबसे बड़ी प्रिजन में ले जाओ लॉस सैंटोस की। अबे यार अब सबसे बड़ी प्रिजन में लेकर जाएंगे क्या ये लोग? ठीक है वहीं लेकर जाता हूँ। चलो आ जाओ, क्या नाम था वैसे तुम्हारा? मेरा नाम फ्रैंकलिन है। आ जाओ फ्रैंकलिन, यहाँ पर तो सारे के सारे सेल फुल है, तुम्हें लॉस सैंटोस की मेन प्रिजन में ले जाना पड़ेगा। आ जाओ बैठो गाड़ी के अंदर। अबे यार किस्मत ही खराब है मेरी। ऐसे किस्मत खराब कहाँ है, सही तो है, ये भी सेल फुल है तो। और एक सेकंड, क्या पता जो लॉस सैंटोस का प्रिजन है वहाँ की भी सेल फुल निकले तो फिर तो मजा आ जाएगा। फिर तो इनके पास कोई चारा ही नहीं है भाई, जगह ही नहीं है मेरे को रखने की, ये तो लोग मुझे छोड़ देंगे ऐसा ही हो तो मजा ही आ जाएगा। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, वहाँ जरूर सारे के सारे जेल खाली होने वाली है क्योंकि वहाँ कम कैदी है। ठीक है देखते हैं, चलते हैं लॉस सैंटोस के प्रिजन की तरफ। कितनी दूर है भाई लॉस सैंटोस का प्रिजन, ये लोग कब से गाड़ियां चला रहे हैं बट अभी तक पहुंचे नहीं है भाई, मुझे तो दिख भी नहीं रहा दूर दूर तक कहीं तक। चुपचाप बैठे रहो तुम। हाँ हाँ बैठा हूँ भाई, बैठा ही हूँ, पता नहीं कहाँ पर लेकर जा रहे हैं। वैसे यार कितनी सारी चोरियां बढ़ गई है यार, लिटरली मैं वहाँ पर 3-4 सेल्स हैं और सारे सेल फुल थे जो लॉस सैंटोस की जेल है। अभी ये लोग सबसे जो मेन प्रिजन है पूरे के पूरे लॉस सैंटोस का वहाँ लेकर मुझे आए हैं। देखते हैं वहाँ क्या सीन होता है, लेकिन यार यहाँ पर अगर जगह खाली हुई ना बहुत ज़्यादा बुरा लगने वाला है क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक जेल है, यहाँ पर एक से एक खतरनाक कैदी रहते हैं। ये वन ऑफ द वर्स्ट जगह हो सकती है लॉस सैंटोस की। ओ सामने दिख रहा है जेल। और अब भाई सब क्या फास्ट चला रहे हैं यार ये पुलिस वाले गाड़ी, मस्त ट्रेनिंग दी जाती है इन लोगों को, देख रहे हो तुम लोग कितनी एपिक तरीके से गाड़ी चला रहा है ये, क्या बात है भाई। ओके तो इधर राइट साइड में जाना है और ये कच्चे रास्ते से लेकर जा रहा है, कोई बात नहीं आ गए यहाँ पर जेल के अंदर। शिनचैन बिनचैन होते तो गए जरूर वो लोग बचाने के लिए आते मेरे को, पता नहीं आगे क्या होगा। भागने की कोशिश बिल्कुल मत करना। अरे क्या भागने की कोशिश मत करना, अभी तक जेल में डाला ही कहाँ है कि भागने की कोशिश ना करूँ मैं। चलो यहाँ पर तुम्हें रहना होगा, यहाँ पर जगह खाली है ना? अरे नहीं यार, यहाँ पर सारी की सारी जगह आज ही फुल हो गई है। क्या आज ही? हाँ सारी की सारी जगह फुल हो गई है। अरे यार अब कहाँ लेकर जाऊँ इस फ्रैंकलिन को मैं। अरे भाई साहब ये तो सच में यार अपनी किस्मत थोड़ी अच्छी है आज की यार। देखो पहले मैं सोच रहा था किस्मत बेकार है क्योंकि मैं पकड़ा गया, बट किस्मत अच्छी है भाई, लॉस सैंटोस वाली भी जेल फुल है और ये प्रिजन भी पूरा का पूरा फुल है। भाई अब तो तुम लोगों को मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमारे पास एक सीक्रेट जेल है जहाँ पर हम लोग सबसे खूंखार कैदियों को ले जाकर छोड़ते हैं, और मैं सोच रहा हूँ शायद तुम्हें वहीं पर ले जाकर छोड़ना होगा। क्या लॉस सैंटोस के अंदर एक और जेल है? बिल्कुल, और वो स्पेशली रिजर्व्ड रहती है खूंखार क्रिमिनल्स के लिए, बट आज लगता है वो तुम्हारे लिए रिजर्व्ड है। चलो तुम्हें उधर ही डाल देते हैं। अबे यार वो भी फुल हुई तो? वो फुल हो ही नहीं सकती, वो हमेशा खाली ही रहती है। आई डोंट नो गाइस कौन से सीक्रेट प्रिजन की तरफ लेकर जा रहे हैं ये लोग मुझे, बट यार अब मेरे को डर लगने लग गया है यार, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं वो हमेशा खाली रहता है, खूंखार क्रिमिनल्स के लिए है वो जगह। बे यार क्या करने वाले हैं भाई? अरे भाई बता दो क्या करने वाले हो तुम लोग? चुपचाप बैठे रहो, बस पहुंचने वाले हैं हम। तो इधर कहाँ कोई जेल है यार, मैं इधर आता जाता रहता हूँ गाइस, ये ऑफिस है बट यहाँ कहाँ कोई जेल। अरे कहाँ पहाड़ पे लेके जा रहा है भाई, अबे गाड़ी पहाड़ पे चढ़ा रहा है। अबे पहाड़ पे है क्या जेल? बिल्कुल। किधर लेके जा रहा है भाई ये? व्हाट? अरे क्यों कहाँ लेके जा रहा है भाई, तू पागल वागल हो गया क्या? ऊपर कुछ तो नजर आ रहा है। वही है तुम्हारी जेल। व्हाट? अबे यार कहाँ पे जेल बना रखी है इन लोगों ने,
अबे तेरी, ये क्या है, जेल है? आ जाओ बाहर आ जाओ। वेलकम टू द मोस्ट सीक्रेट प्रिजन इन लॉस सैंटोस। अबे गेट मैंने तुम्हारे लिए ओपन कर दिया है, तुम अंदर जा सकते हो। लेकिन ये तो सबसे सुनसान जगह पर है, मैं तो यहाँ से इजिली भाग सकता हूँ। ऊपर सीसीटीवी लगा हुआ है डबल। अबे यार अंदर भी एक कैमरा है, बाहर भी। अबे और रुको, तुम्हारे पास वेपन्स है? है तो सही, तो लाओ। तो सारे वेपन्स भी ले लिए यार, पिस्टल और शॉटगन। जाओ अंदर। अबे यार मेरी किस्मत सच में आज फिर से खराब है यार, फंस गया मैं तो। लॉक कर देता हूँ अभी जेल के दरवाजे को। तुम्हारा मोबाइल फोन भी लाओ। अबे मोबाइल फोन भी? बिल्कुल। तो अच्छी तरीके से मैंने दरवाजे को अभी लॉक कर दिया है और ये अभी ये कहीं भी नहीं भाग सकता। चलो अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। अबे लेकिन भाई मेरा खाना वाना कौन देगा? खाना तुम्हारे पास पहुँच जाएगा, तुम्हें सिर्फ एक टाइम का खाना दिया जाएगा, वो भी रात का। अरे लेकिन प्लीज भाई कुछ तो कहीं और ही डाल देते यार, जेल में कौन सी सुनसान जगह पे डाल दिया है मुझे। अबे यार मैं तो फंस के रह गया यार इधर ही, कोई आजू बाजू नहीं है, पहाड़ पे ऊपर से ये तो वो वाला पहाड़ है जहाँ पर माउंटेन लायन टाइगर वगैरह घूमते रहते हैं। अबे यार मैं तो फंस गया यार गलत जगह पे, क्या करूं मैं यहाँ पर अब। अपनी किस्मत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है यार, मैं खामा खा कह रहा था अपनी किस्मत अच्छी है। बताओ मेरे वेपन्स भी ले गए, फोन भी ले गए, कोई जगह भी नहीं छोड़ी यहाँ से भागने की, कोई आजू बाजू दूसरा क्रिमिनल भी नहीं है उससे मैं बात कर सकूं, कोई बंदा नहीं है आजू बाजू, और ऊपर से ये ऐसा माउंटेन जहाँ पर माउंटेन लायंस और टाइगर्स वगैरह घूमते रहते हैं, वैसे वो लोग मेरा बिगाड़ तो नहीं पाएंगे कुछ, बट हाँ जाले के अंदर हाथ घुसा के भाई पंजा मार दिया तो। क्या करूं मैं फंस गया यार गलत जगह पे, वो भी कैसे जेल में डाल दिया मेरे को इन लोगों ने, और आज ही सारे के सारे लॉस सैंटोस के प्रिजन फुल होने थे क्या? मैं तो सोच रहा था यार सारे प्रिजन फुल होंगे तो ये लोग सोचेंगे कि चलो कोई जगह ही खाली नहीं है, छोड़ो इसे, तो वैसे भी कौन सी ज्यादा बड़ी चोरी की है, बट नहीं ये लोग तो सबसे अलग ही भाई जेल में लेकर आ गए मुझे। मेरे को यहाँ से भागना है, निकलना है। एक तो ये शिनचैन पिनचैन जब देखो तो रोज रोज माउंट चिलियाड पे घूमने के लिए पहुंच जाते हैं, अगर घर पे होते तो वो लोग मेरे को बचाने के लिए जरूर आते यार। अब क्या करूं मैं इधर अकेले फंसा पड़ा हूं, और खाना भी एक टाइम का मिलने वाला है मेरे को, तो और एक्स्ट्रा भूख लगती है, बल्कि घर पे बर्गर भी नहीं खा पाया था मैं, उससे पहले ही पुलिस वाले आ गए। क्या करूं मैं यहां से भागने के लिए, कोई तो बता दो, कोई है आजू बाजू, सुन लो मेरी बात। कोई भी नहीं सुन रहा यार, कोई भी नहीं। खोल दो दरवाजा, दरवाजा खोल दो, अरे खोल दो भाई कोई तो, भूख लगी है। तो गाइस यार तुम लोग जाकर यार फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ताकि मैं जल्द से जल्द इस वाले प्रिजन से एस्केप कर सकूं। मुझे तो लग रहा है गाइस कुछ हो ना हो जेल तोड़कर ही भागना पड़ेगा, ये पुलिस वाले छोड़ेंगे तो नहीं मुझे, इतना तो मेरे को पता चल चुका है। मुझे यहाँ से भागने का कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा, देखते हैं गाइस क्या करता हूं मैं। बस तुम लोग जाकर यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी तक नहीं किया है तो। यस अभी कभी जो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले बटन प्रेस करके यार से ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। बाकी इंतजार करते हैं, सोचते हैं कुछ आइडिया यहाँ से बाहर निकलने का, क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पर, कर क्या सकता हूँ मैं। ऊपर से एक तो ये सीसीटीवी ऊपर और लगा दिया है इन लोगों ने, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं इधर, क्या करूं भाई, कोई तो कुछ बताओ, कोई है इधर दूर दूर तक। एक तो ये लोग ऐसी जगह पर इन लोगों ने जेल बनाया गाइस जहाँ पर लिटरली में कोई आता जाता भी नहीं होगा। देख रहे हो तुम लोग ये जेल में मैं हूँ, और ये जरा देखो कहाँ पर हूँ मैं, लिटरली मैं कहाँ पर हूँ मैं। अबे यार आजू बाजू किसी का घर भी नहीं है कि कोई मुझे देख पाएगा, मेरी चीखे सुन पाएगा, आवाज सुन पाएगा। अबे यार कहाँ फंसा दिए इन पुलिस वालों ने, वो तेरी जेल कैसी बिल्कुल एकदम रिमोट लोकेशन पर है यार, फंस गया आज तो। अरे भाई यार आज तो ट्रैकिंग करके रहूंगा, आज तो मजा आ रहा है ट्रैकिंग करने में, ऊपर से बिना जूतों के, ओहो। इसके बाद तो अरे ये क्या है यार, ये कभी यहाँ पर बना, अरे ये तो कोई किसी का झोपड़ा लग रहा है। हेलो भाई कोई रहता है क्या इस घर में? ओ तेरी एक बंदा, ओ हेलो भाई तू कौन है? मैं तो यहाँ पर ट्रैकिंग करने आया हूँ, बट तुम्हारा घर तो मस्त है यार। घर नहीं है ये जेल है। क्या? अरे मजाक नहीं कर रहा भाई, सच में जेल है ये। सच में? ऐसे तेरे बाल कैसे है वे? अरे बालों की जगह इसने तो झाड़ू लगा लिया यार। तुमने मेरे बालों का मजाक उड़ाया, तुम्हारी ऐसी की तैसी भागो यहाँ से, मैं तो चला। अबे अबे प्लीज सॉरी सॉरी भाई सॉरी सॉरी भाई सॉरी प्लीज मेरी बात सुन ले यार, मेरी बात
सुन ले दो मिनट। चलो सुन ही लेता हूँ, क्या बोल रहे हो बताओ। अरे भाई प्लीज मेरे को यहाँ से निकाल दे यार। लेकिन मैं कैसे निकालू यार, मेरे पास इसकी चाबी थोड़ी ना है। आ तो इसको तोड़ने की कोशिश करना भाई प्लीज। ए झाड़ू वाले बाल वाले यार प्लीज हेल्प कर दे। फिर से झाड़ू बाल, निकल तेरी, मैं तो नहीं कर रहा हेल्प, तू यही पर जिंदगी भर रह, भागो यहाँ से। अबे यार ये झाड़ू वाले बालों वाला तो भाग गया, बोलना नहीं चाहिए था यार उसे कि तेरे झाड़ू जैसे बाल है, बट थे यार उसके लिटरली में झाड़ू जैसे बाल। क्या कर सकते हैं हम लोग, अब इंतजार करना पड़ेगा किसी और के आने का। तब तक लगता नहीं यहाँ पर कोई और आएगा, बड़ी मुश्किल से एक ट्रैकिंग वाला बंदा आया तो था। क्या करूँ मैं, भूख भी लगी है मुझे। लो यहाँ पर भूख लगी थी और यहाँ पर अभी बारिश भी होने लगी, और फिट वॉट जेल की दीवार के मतलब छत के आर पर पानी आ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है लिटरली में भाई, ऐसा कैसे हो सकता है। पता नहीं कैसी इन लोगों ने दीवारें बनाई है जेल की, बट पानी तो आ रहा है गाइस डेफिनेटली। अरे यार एक तो उतना बढ़िया मौसम था तब तो कोई आ नहीं रहा था यहाँ पर, अब तो बारिश ही हो रही है, अब कौन ही आएगा इधर। मैं तो फंस गया हमेशा के लिए यहीं पे। अरे यार डर्ट बाइकिंग का मजा तो असली बारिश के अंदर ही आता है, जो फुल स्पीड में अपनी डर्ट बाइक भगाता हूँ मैं पहाड़ों के ऊपर। वाह क्या बारिश हो रही है, क्या कीचड़ है, और मेरी डर्ट बाइक एकदम मस्त चल रही है। अरे वाह भाई, अरे ये क्या है, अरे किसी का घर लगता है ये तो। एक सेकंड जरा देखूँ तो सही, परसों तक तो नहीं था यहाँ पर, ये कल ही बनाया लगता है। ओके ये, अरे कैसा घर है भाई तुम्हारा। भाई घर नहीं है मेरा, मैं यहाँ पर जेल में कैद हो गया हूँ। What? ये कैसी जेल है यार, अकेली जेल। अरे भाई पूछ मत भाई, लेकिन प्लीज भाई वो एक बाइक वाले यार निकाल दे मुझे यहाँ से। निकाल दूँ मतलब कैसे निकाल दूँ। अबे मतलब यहाँ से प्लीज छुड़ा दे भाई। नहीं यार यहाँ पर सीसीटीवी लगा हुआ है, मैं फंस जाऊंगा अगर तुम्हें बचाने की कोशिश की। तो पीछे से आ जाना, पीछे से बचा ले मेरे को, इधर की साइड से। इधर की साइड से, लेकिन इधर भी तो सामने सीसीटीवी लगा हुआ है। अबे प्लीज बचा ले यार। अरे मैं नहीं बचा सकता यार, पहले बता रहा हूँ, क्योंकि सीसीटीवी से मेरे को बहुत ज्यादा डर लगता है, और स्पेशली पुलिस वालों से। वो लोग मेरे को पकड़ लेंगे तो मेरा डर्ट बाइकिंग का करियर खत्म हो जाएगा। अबे यार मैं तुझे 10 डर्ट बाइक दे दूंगा यार, मेरे को प्लीज निकाल दे यहाँ से। पहले निकल सकता, आई एम सॉरी। लेट्स गो, मेरी डर्ट बाइक एकदम मक्खन चल रही है। आज तो लगता है मेरी कोई भी हेल्प नहीं करने वाला है यार, जो भी आ रहा है बस भाग जा रहा है। कोई तो बचा लो, अवेंजर्स वगैरह तुम में से ही कोई आ जाओ यार। अबे गाड़ी नहीं चुरानी चाहिए थी, गलत फंस गया मैं। फिलहाल तो गाइस यहाँ पर बारिश हो चुकी है बंद, मौसम हो चुका है काफी ज्यादा क्लियर, काफी ज्यादा साफ, और अभी भी भूख लगी है मुझे। क्या करूं मैं, ओ पानी भर गया यार इधर तो। ऐसे गाइस अभी तक तुम लोगों ने यार इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हो, तुम लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी क्या भी जाओ और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर लो। बाकी तो मैं इधर निकलने की कोशिश करता हूँ, और वीडियो को लाइक भी कर देना यार, ताकि मैं जल्दी से यहाँ से निकल जाऊँ। कैसे, कोई है क्या भाई, हेलो कोई है क्या भाई, हेलो कोई सुन रहा है मेरी आवाज। अरे जरा भाई कोई तो आके हेल्प कर दो यार, कोई तो, अरे कोई तो आ जाओ यार, कोई तो आ जाओ, कोई तो आ जाओ मेरी है। कोई तो का मतलब टाइगर नहीं बोला था भाई, ये टाइगर क्यों यहाँ पर आ गया। ओ भाई साहब मैं तो कोई तो चिल्ला रहा हूँ, कोई तो आ जाओ हेल्प करने, ये सीधे टाइगर ही आ गया हेल्प करने के लिए। हेल्प तो नहीं करेगा, खा जाएगा मेरे को। हेलो भाई टाइगर प्लीज तू ही निकाल दे यार मेरे को यहाँ से। अबे इधर क्यों आ रहा है भाई, निकाल दे प्लीज, तोड़ दे यार जाला, जाला तोड़ दे, जेल तोड़ दे। अबे यार क्या करना चाह रहा है ये, पीछे जा रहा है, किधर जा रहा है ये, वो इधर जा रहा है, पीछे पीछे से तोड़ने की कोशिश कर रहा है या मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। पता नहीं गाइस मुझे तो टेंशन हो रही है यार, मुझे तो लग रहा है मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है ये। पता नहीं क्या करना चाह रहा है ये। अरे भाई कुछ कर दे यार तू, हेलो टाइगर भाई हेलो, अरे कुछ कर भाई हेलो। अरे कुछ नहीं कर पा रहा है यार ये टाइगर का बच्चा। अरे कुछ कर दे, तोड़ दे तोड़ दे, कुछ तो तोड़ दे, तोड़ दे जाला, तोड़ दे तोड़ दे। अबे यार नहीं कर पा रहा ये कुछ, इसके बस की नहीं है भाई कुछ भी, इसके बस की है ही नहीं कुछ। ये तो पागल ही हो गया है भाई शेर, देख रहे हो तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रही है, अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है क्या। अरे भाई जाला तोड़ने को बोला था, तू तो मेरे को ही खाने की ट्राई कर रहा है। तोड़ दे कुछ तो, तोड़ दे सीसीटीवी, तोड़ दे भले, सीसीटीवी तो मैं भी नहीं तोड़ सकता। हेलो भाई तोड़ दे कुछ तो, तोड़ दे भाई, तोड़ दे तू, तोड़ दे। इसने गाइस एक पिलर तो तोड़ दिया भाई नोच नोच के, ये देखो ये वाला पिलर व्हाइट कलर वाला,
पूरा उखाड़ दिया इसने जड़ से। तोड़ दे, कमोन 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 कमोन, तोड़ दे। अबे पूरा तो तोड़ देता। अबे भाग गया यार ये तो, मैं तो सोच रहा था यही मेरे को बचाएगा, भाग गया। छोड़ो, उम्मीदें खत्म हो रही अब तो मेरी। बताओ यार कितना पावरफुल था ये, इसने ये तोड़ दिया लिटरली में, और बाकी बचा हुआ मैंने तोड़ दिया और उसे गिरा दिया। चलो इतनी जगह तो बनी, इतने में मैं क्या निकल सकता हूँ? लगता तो नहीं इतना पतला। अरे थोड़ा पतला होता यार मैं, थोड़ा मोटा हो गया हूँ मैं, थोड़ा सा पतला होता आई थिंक निकल जाता मैं इधर से। एक सेकेंड निकलने की कोशिश। कोई हथियार वेपन्स कुछ भी नहीं है मेरे पास, कुछ तो होना ही। वेट, अरे मेरे पास तीन चीजें थी, एक पिस्टल, एक शॉटगन और एक हथौड़ा। पुलिस वाले सिर्फ शॉटगन और पिस्टल लेकर गए हैं, हथौड़ा तो मेरे पास अभी भी है। ये देखो जरा तुम लोग, हथौड़ा नहीं मतलब वही है कुल्हाड़ी, और है मेरे पास ये। फिर तो दीवार की ऐसी की तैसी, अभी इस दीवार को तोड़ता हूँ यार। उससे पहले कैमरा फोड़ दूँ क्या? कैमरा पहुंच पा, कैमरे तक मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा यार। कम ऑन कैमरे फूट जा, नहीं फूट रहा कैमरे तक। आई थिंक गाइस अपना हाथ नहीं पहुंचेगा, कैमरा इतना ऊंचा है, पहुंच तो जाना चाहिए। उछल के नहीं यार, ऊपर तक हाथ नहीं पहुंचेगा, बट आई थिंक मैं इस दीवार को तो कम से कम जरूर तोड़ सकता हूँ। टूट तेरी ऐसी, टूट जा भाई, टूट जा, आज तो टूटना ही पड़ेगा। कुछ भी हो जा तोड़ के तो रहूंगा मैं। ये कमजोर है क्या हिस्सा? ये टूट जा भाई। ये एक और, तो टूट तो जाएगा आई थिंक गाइस। तुम लोग बस वीडियो को लाइक करते रहो भाई, जल्दी इस वाली दीवार को पूरा तोड़ के मैं यहाँ से बाहर निकलने वाला हूँ। भले सीसीटीवी में ये सब हरकतें मेरी रिकॉर्ड हो रही है, बट कोई बात नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं है भाई, भाग जाएंगे एक बार तो मामला सेट है। टूट जा दीवार प्लीज, कम ऑन, लेट्स गो। ओ भाई साहब, यार मेरे को पहले याद ही नहीं आया था मेरे पास तीन चीजें हैं, पिस्टल और शॉटगन, और गन मैंने उन्हें दे दी थी, मतलब गन नहीं मोबाइल, और मैं ये भूल गया था कि अपने पास ये मस्त वाला कुल्हाड़ी है। टूट जा, थोड़ा जोरदार अटैक करना पड़ेगा, रुक जाओ। या पटक। अबे अब कुछ नहीं हो रहा इससे, अबे धार खत्म हो गई इसकी, क्या हो गया इसे? अरे मार, हमले कर भाई हमले, दीवार तोड़ दे पूरी की पूरी। टूट जा दीवार, टूट जा। ओह यस, अब हो रहा है, लेट्स गो। टूट जा दीवार, कम ऑन वॉल, कम ऑन, एक, लेट्स गो। कैसा सा हाल हो गया गाइस इस वक्त दीवार का, तुम लोग देख सकते हो क्लियरली, पुर्जे अलग हो गए अभी दीवार के, और अभी लिटरली मैं बिल्कुल एक सेकंड नहीं रुकने वाला हूँ, पूरी दीवार आज यहाँ से तोड़कर निकल ही जाऊंगा मैं। भाई साहब एकदम मस्त तरीके से अपना मिशन जारी है, देख सकते हो तुम लोग भाई दीवार का क्या हाल हो गया, थोड़ी ही देर में ये टूट भी जाएगी पूरी। भाई साहब पूरा दीवार को मैंने गोल शेप में तोड़ दिया है, और अभी थोड़ी ही देर में गाइज मैं यहाँ से निकल भी जाऊंगा। पता नहीं मैंने कितनी लेयर्स अभी तोड़ दी है इसकी, आई थिंक अभी निकलने की कोशिश करनी चाहिए। लेट्स गो, नहीं अभी और तोड़ना पड़ेगा, रुक जाओ, थोड़ा सा और तोड़ दिया मैंने, अभी निकलने की कोशिश करते हैं। लेट्स गो, ओ आ गया भाई, बाहर आ गया। ये दीवार का क्या टूटा है? अच्छा इस वाली दीवार, लेट्स गो, कम ऑन भाई, आ ही गया मैं फाइनली यहाँ पर बाहर। भाई भागो यहाँ से, भागो। देखा तुम लोगों ने, ये देखो यहाँ पर मैंने छुपा रखी थी ये कुल्हाड़ी, और उस वक्त जब मैं उनको पिस्टल दे रहा था तो मेरी कुल्हाड़ी बिल्कुल छुपी हुई थी, उन लोगों को पता भी नहीं चला। यहाँ पर मैं निकल चुका हूँ गाइज, अभी वो टाइगर यहीं पर है। भागो, वो टाइगर मेरे पीछे ना आ जाए। लेट्स गो, ओ एक और टाइगर देखा मैंने उधर। और यार यहाँ पर कितने टाइगर या माउंटेन लायंस है, आई थिंक गाइज यहाँ पर सक्सेसफुली एस्केप कर चुका हूँ मैं। फटाफट भागते हैं यहाँ से, कम ऑन, कोई गाड़ी दो, गाड़ी दे। भाई एक और गाड़ी आ गई पीछे, पुलिस वाले, वो किसी और के पीछे पड़े हैं। जल्दी गाड़ी देना यहाँ से जल्दी। ओके, मैं कच्चे रास्ते से निकल रहा हूँ भाई अपने घर की तरफ। लेट्स गो गाइज, फटाफट से अभी पहाड़ से पहाड़ चलते हैं, जल्दी से अपने घर निकलते हैं। फिलहाल तो गाइज तुम लोग आज के वाली वीडियो बढ़िया लगी हो तो फटाफट से जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करके आज से ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। कमेंट में जरूर बताना यार तुम लोग ये वाली वीडियो कैसी लगी, और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी निकलता हूं मैं अपने घर की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।